यू एट सम पॉइंट ऑफ टाइम शायद आपको ये महसूस होना शुरू हो गया कि मोहसिन हाशमी इज़ अ फ्रेंड, ठीक है ना. और आपको पता है ना, आप अपने दोस्तों की बात को ध्यान से सुनते हैं, और जब आपका दोस्त आपके साथ होता है तो आप खौफजदा बल्कि आप खौफनाक हो जाते हैं. यू फील कंफर्टेबल, यू विद फील कंफर्टेबल विद योर फ्रेंड्स, राइट. यू ऑलवेज वॉन्ट टू टॉक टू योर फ्रेंड्स. तो मैंने ये सोचा कि मेरी आज की क्लास जो है वो यूथ के साथ है, तो इफ़ आई टेक माई प्लेस बिहाइंड द रोस्ट्रम देयर, मैं हर वक्त वहाँ पे पीछे खड़ा रहता हूँ, तो शायद ये मेरी बात को उस तरह से अंडरस्टैंड. उसकी वजह क्या है, क्योंकि एक एज का गैप है बीच में, है ना. मेरे चेहरे पे आपको सफ़ेद बाल नज़र आने शुरू हो गए होंगे, बहुत सारे बाल तो मेरे उड़ भी चुके हैं. अच्छा, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा किसी वक्त में, बहुत सारे बाल उड़ भी चुके हैं. अब ये सारा गैप जो है इसको ब्रिज करने के लिए मुझे बीच में आपको लतीफे भी सुनाने पड़ रहे हैं, ठीक है. क्यों सुना रहा हूँ मैं, ताकि आपकी आप बाहर की दुनिया जो है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, जो बातें मैंने आपके साथ करनी है उनको आप सही तरह से. सो एक्चुअली आई एम एडिंग डिफरेंट फ्लेवर्स टू माई कम्युनिकेशन, राइट, इवन माई बॉडी लैंग्वेज. माई बॉडी लैंग्वेज इज एक्टिंग लाइक द गार्निश और द टॉपिंग ऑन एनी फूड. एक खाना जब बन के तैयार हो चुका होता है, ठीक है, तो उस पर आप गार्निश करने के लिए अम्मी जो है वो कभी धनिया काट के ऊपर फेंक देती हैं, उससे वो खूबसूरत लगता है. टमाटर वगैरह काट के ऊपर, ठीक है, उसके रंग जो है वो खूबसूरत लगने. सो बिल्कुल इसी तरह से जब आप किसी के साथ गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इफ़ द मीनिंग स्टार्ट कमिंग फ्रॉम योर बॉडी एंड योर आईज, समबडी हु यू आर टॉकिंग टू कैन अंडरस्टैंड यू वेरी वेल. सो वी आर ऑन द सेम पेज नाउ, राइट. एक्टिविटी हमने कर ली परफॉर्म, हम अपनी बॉडीज को अनलॉक कर चुके हुए. मैं चाहता हूँ मैं आपको एक कहानी सुनाऊँ छोटी सी, ठीक है, क्योंकि अगले दो घंटे मैंने जो बातें करनी है उनको समझने के लिए इस कहानी का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है. किसी गांव के अंदर एक बुजुर्ग आदमी रहता था, ठीक है, और उसका नाम था चाचा दीनू. व्हाट वाज हिज नेम? चाचा दीनू. दीन से दीनू होता ना जिसे, ठीक है. चाचा दीनू जो है वो वहाँ रहा करता था. चाचा दीनू जो है उनका जो वालिद था वो बड़ा अमीर आदमी था, उसकी बहुत सारी ज़मीनें थी, बहुत जायदाद थी, और वो अपनी सारी ज़मीनें और जायदाद जो है वो किसको देकर चला गया मरते हुए? चाचा दीनू को, ठीक है. नाउ चाचा दीनू डिडंट हैव टू बॉदर अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ के लिए उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ज़मीन जायदाद, बेटे मेरी बातें सुनने हैं, अवॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद उनके पास ऑलरेडी मौजूद थी. सो चाचा दीनू जो हैं उनको अपने बाप से मोहब्बत भी बड़ी थी. क्यों मोहब्बत थी? क्योंकि चाचा दीनू फादर वुड ऑलवेज टेक हिम एज अ फ्रेंड, हमेशा एक दोस्त की तरह जो है वो अपने बेटे को अपने साथ, ठीक है. और एवरी स्टेप ऑफ द लैडर टू यूथ, जैसे ही चाचा दीनू जवान हो रहे थे तो हर बात के ऊपर अपने पास अपने बेटे को बिठा के, चाचा दीनू को बिठा के, तो उनके साथ काउंसिल किया करते थे, गुफ्तगू करते थे उनके साथ, ठीक है. और जिस तरह दोस्त एक दूसरे को अपनी बात समझाते हैं, बिल्कुल इसी तरह चाचा दीनू का जो वालिद थे वो उनको अपनी बात. सो चाचा दीनू की उनके फादर के साथ बड़ी ज़बरदस्त बॉन्डेज जो थी मौजूद थी. मरते वक्त चाचा दीनू के अब्बू जो हैं वो उनको अपनी पॉकेट वॉच जो होती है ना, आपने कायदे आज़म की एक घड़ी देखी होगी जो उनकी पॉकेट में होती थी, ठीक है, और उसके साथ एक चेन लगी होती थी, एक तो रिस्ट वॉच होती है ना. सो कायदे आज़म उनके पास भी एक पॉकेट वॉच थी. तो चाचा दीनू जो है उनके फादर अपनी पॉकेट वॉच जो है वो अपने बेटे यानी चाचा दीनू को देकर, चाचा दीनू जो है जब भी उदास महसूस करते थे, उन्हें अपने बाप की याद आती थी, वुड ऑलवेज टेक आउट द पॉकेट वॉच और उसके ऊपर नज़र दौड़ाते थे. उन्हें थोड़ी देर के लिए वॉच को देखते रहते थे और उन्हें यूँ महसूस होता था कि जैसे उन्होंने उनकी मुलाकात अपने अब्बू के साथ, जैसे उन्होंने अपने अब्बू के साथ बातचीत, ही वुड शेड सम टीयर्स, थोड़े से आंसू बहाते, ठीक है, और फिर उस घड़ी को इस तरह सीने से लगाते, प्यार करते, और जैसे उन्होंने अपने बाप से. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो घड़ी चाचा दीनू के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी. बात समझ आ रही है? एक दिन क्या होता है, चाचा दीनू अपनी फसलों के अंदर काम कर रहा होता है, फसलें जवान हुई होती हैं, कटने को बिल्कुल तैयार होती हैं, थोड़ा सा वक्त बस उनमें होता है. तो शाम को जब चाचा दीनू सारा दिन खेत में काम करने के बाद घर वापस आता है, अपनी जेबों को टटोलता है, तो अब्बा जी की घड़ी वहां पर मौजूद नहीं होती. अब आप सोच सकते हैं कि घड़ी का गुम जाना जो है वो चाचा दीनू के नज़दीक क्या चीज़ थी, कि जैसे उनके
अब्बू की एक मरतबा और वफात हो गई. गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, जो पहली वफात थी उसके बाद घड़ी तो मौजूद थी ना. अब जब घड़ी गई है तो अब्बा जी बिल्कुल ही चले गए. तो चाचा दीनू हैड अ ऑलमोस्ट अ शॉक, राइट? उन्होंने ये सोचा कि मैं जल्दी से खेतों में वापस जाता हूँ और जाकर घड़ी, पहले तो पूरा घर स्कैन किया, घड़ी कहीं मौजूद नहीं थी. इसका मतलब अंडरस्टूड था कि घड़ी कहाँ पे थी? खेतों में थी. तो सोचा कि जाके जल्दी से पूरे खेतों को स्कैन करता हूँ, घड़ी ढूंढ के वापस लाता हूँ. लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर निकल कर देखा घर से, तो रात का अंधेरा. सोचा कि मैं सुबह का इंतजार करता हूँ. जैसे ही बिस्तर के ऊपर लेटा, सारी रात करवटें बदलता रहा, लेकिन नींद क्यों? हैं अब्बा जी नहीं. शाबाश. यानी घड़ी ना होना और अब्बा जी ना होना एक ही बात है. बिल्कुल सही. अब जरा गौर करें कि क्या हो रहा है. मैं एक बात कहता हूं और उस बात कहने के बाद मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं और अगली बात आप खुद जोड़ रहे हैं साथ. ऐसा क्यों कर हो पा रहा है? बिकॉज थ्रू माय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड माय सर्टेन पॉजेस आई एम टेकिंग यू एलिवेटेड और आप मेरे मैसेज को पकड़ रहे हैं मेरे साथ साथ. गेटिंग माय पॉइंट? तो मजा आना. यानी आपने मुंह से बात निकाली, वो बंदा फौरन आपकी बात समझ जाता है और वो टिक टिक करना छोड़ देता है. ठीक है, ओके. सो चाचा दीनू जो है वो सारी रात करवटें बदलता रहता है बिस्तर के ऊपर, नींद नहीं आती. अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, चाचा दीनू रन्स इनटू द फील्ड्स और जनाब जाके खेतों में घड़ी तलाश करना शुरू कर देता है. आधा दिन गुजर जाता है, दोपहर हो जाती है, लेकिन चाचा दीनू को घड़ी कहीं नजर. हर गुजरते लम्हे के साथ चाचा दीनू जो है उसका दिल जो है वो बोझल होना शुरू हो जाता है. चाचा दीनू हिट्स एन आइडिया. परेशान तो होता है, लेकिन जहन में एक आइडिया आता है कि गांव के बच्चों को बुला लेता हूँ. गांव के सारे बच्चे चाचा दीनू इकट्ठे कर लेते हैं. लड़कियां जो होती हैं उन्हें कहता है कि इफ़ यू फाइंड माई फादर्स वॉच, अगर तुम मेरे अब्बा जी की घड़ी मुझे ढूंढ के देते हो, आई विल गिव यू डॉल्स. मैं तुम्हें प्यारी प्यारी गुड़ियाएं मेरे पास अंदर पड़ी हुई हैं, मैं वो सारी तुम्हें दे दूंगा. फिर वो लड़कों की तरफ मुड़ता है और कहता है इफ यू फाइंड माई फादर्स वॉच, अगर तुम मेरे अब्बू की घड़ी ढूंढ के लाते हो, आई विल गिव यू पकानाज. यू अंडरस्टैंड पकानाज? क्या होते जी? बलून्स. ठीक है, सो पंजाबी वर्जन वो पकाना होता है उसका. वी नीड टू नो आर लैंग्वेजेस. ठीक है, हमें अपनी कम्युनिकेशन में कामयाबी के लिए अपनी लैंग्वेजेस. हजरत अली कहते हैं, उनका कॉल है कि इंसान जितनी जुबानें जानता है उतने जिस्म रखता है. उतने इफ आई हैव दिस वन सिंगल बॉडी एंड देन आई हैव अनदर सिंगल बॉडी एंड देन आई हैव येट अनदर सिंगल बॉडी, इट मीन्स आई हैव थ्री डिफरेंट बॉडीज एंड दीज थ्री डिफरेंट बॉडीज विल बी मच मोर इन कंपेरिजन विद समबडीज सिंगल बॉडी. गेटिंग माई पॉइंट? If I talk to a Pashtun, I start speaking Pashto. If I talk to a Persian, I start speaking Farsi. If I talk to somebody English, I start talking in English. Right? So, जब आप किसी से उसकी जुबान में बात करते हैं, उसको अपनाइयत महसूस होती है और फिर अगेन आपका कम्युनिकेशन उसके साथ बेहतर होना as compared to somebody who translates it. ठीक है ना. सो नोइंग अ लैंग्वेज इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर बॉडी. ये ज़हन में रखना है बात. तो हमें जुबानों को जानने का शौक होना. फॉर बेटर कम्युनिकेशन यू ऑल्सो नीड टू नो लैंग्वेजेस. इससे आपकी शख्सियत के अंदर गहराई आना शुरू होती है. तो कहाँ पहुँचे थे हम? बलून्स तक पहुँचे थे हम. सो बिफोर चाचा दीनू फिनिशेज हिज मैसेज, द चिल्ड्रन स्टार्ट रनिंग एवरीवेयर बिकॉज चाचा दीनू हैड प्रोमिस्ड वॉट? डॉल्स एंड राइट. सो लड़कियां लड़के इधर उधर भाग रहे होते हैं और अपनी खेलों में हाइड एंड सीख भी कर रहे होते हैं और चाचा दीनू की घड़ी भी ढूंढ रहे होते हैं. दोपहर से शाम होने लगती है. खेतों के अंदर बच्चों की आवाजें जो बहुत बुलंद और शोर ज़दा होती हैं, शोर की कैफियत में होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की आवाजें खामोशी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं. बच्चे खेतों से बाहर आना शुरू हो जाते हैं लटके हुए चेहरों के साथ. जैसे ही
खेतों में से लटके हुए चेहरे वाले बच्चे बरामद होना शुरू होते हैं, चाचा दीनू का चेहरा जो है वो उनसे डबल लटकना शुरू हो जाता है. क्यों? बिकॉज ही हैड आस्क्ड एंड कॉल्ड देम टू एड हिम इन फाइंडिंग हिज फादर्स लॉस्ट वॉच. और उनके लटके हुए चेहरे जो है वो किस चीज की दलील थे कि दे कुड नॉट फाइंड द वॉच. यस. अच्छा, जैसे ये बच्चे जो हैं वो खेतों में जाने वाले थे, इनमें से एक बच्चा जो था ही वॉज अ लिटल डिफरेंट. जिस वक्त चाचा दीनू ने इनको कहा था कि तुम खेतों में जाओ और जाके मेरे अब्बा की घड़ी ढूंढ के लाओ, इनमें से एक बच्चा जो है वो उनके साथ भागकर खेतों में नहीं गया था, बल्कि खेतों के करीब एक पगडंडी जो है, मट्टी का एक उभार सा जो है एक दरख्त के नीचे, उसके ऊपर जाकर बैठ जाता. उस वक्त चाचा दीनू उससे पूछता है, बेटे वुड यू नॉट गो एंड फाइंड माई फादर्स वॉच एंड गेट द रिवॉर्ड. तो वो बच्चा उस वक्त चाचा दीनू से कहता है, नो नॉट नाउ. चाचा दीनू बड़ा हैरान होता है कि ही इज अ स्ट्रेंज बॉय, ही इज डिनाइंग द ऑफर ऑफ अ रिवॉर्ड, ही इज डिफरेंट देन अदर्स. ठीक है, ये बिल्कुल दूसरों से मुख्तलिफ है, मैं इनाम का कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं मुझे इनाम अभी नहीं चाहिए. फिर चाचा दीनू ये सोचता है कि क्योंकि ये जाकर बैठ गया तो शायद इसकी टांग में दर्द है या इसको कोई और मसला है, सो लेट हिम सिट फॉर एज मच टाइम एज ही वॉन्ट्स. सारा दिन वो बच्चे खेतों में दौड़ दौड़ा के खेल के और घड़ी को ढूंढने की मश्क करने के बाद वापस आ चुकते हैं. ये बच्चा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता. अब जब सारे बच्चे वापस आ चुके होते हैं और आके चाचा दीनू से कहते हैं, सॉरी वी कुड नॉट फाइंड योर फादर्स वॉच, चाचा दीनू ये सोचता है कि यार मेरे अब्बा की घड़ी तो नहीं मिलनी थी, ये मेरा मुकद्दर, मेरी किस्मत, लेकिन इन बच्चों ने अपनी तरफ से मेहनत पूरी की है तो इनको इनाम के बगैर नहीं जाना चाहिए. तो चाचा दीनू कॉल्स ऑल द गर्ल्स और उनको क्या देता है, गुड़ियाएँ, उनको डॉल्स दे देता है, और सारे लड़कों को बुला के उन्हें क्या दे देता है, पकाने. Try using new words. उनको गुब्बारे दे देता है, right? जैसे ही वो लड़के और लड़कियां जो हैं वो अपने घरों को वापस जाने लगते हैं, रात का अंधेरा छा रहा होता है, रात का अंधेरा बल्कि छा चुका होता है, वो अकेला बच्चा जो दरख्त के नीचे सारा दिन बैठा रहता है वो उठकर चाचा दीनू के पास आता है और उसे आके कहता है, Would you now allow me to go and try to find your father's watch? चाचा दीनू जो है वो उन सारे बच्चों की वजह से पहले ही बड़ा परेशान होता है कि इनको मैंने बुलाया भी है, सारा दिन ये शोर भी मचाते रहे हैं, भागते भी रहे हैं, फिर मैंने इन्हें रिवॉर्ड भी दिया लेकिन मेरे अब्बा की घड़ी मुझे नहीं मिल सकी. तो चाचा दीनू थोड़े से गुस्से में उसे कहते हैं, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हारा दिमाग ठीक है? नाउ व्हेन इट इज गेटिंग डार्क यू आर आस्किंग मी दैट यू आर गोइंग टू फाइंड माई फादर्स वॉच, हाउ कैन यू. फिर चाचा दीनू ये भी सोचता है कि रात के इस वक्त इतनी बड़ी फसलों के अंदर वैसे ही जानवर आना शुरू हो जाते हैं तो इसकी जान को खतरा हो सकता है, जिस तरह मेरे फौत शुदा बाप की घड़ी से मुझे इतनी मोहब्बत है तो इस बच्चे के वालिदैन को इस बच्चे से कितनी मोहब्बत होगी. सो आई कैन नॉट एंडेंजर हिज लाइफ. ठीक है, मैं अपने बाप की घड़ी के लिए इस जीते जागते बच्चे की जिंदगी जो है वो खतरे में. तो अगेन चाचा दीनू लुक्स एट हिम, कहते हैं कि आई एम सॉरी आई कांट अलाउ यू. द चाइल्ड बिसीचेस हिम, बच्चा उससे इल्तजा करता है, Why don't you trust me? Let me go and find your father's watch. तुम मेरे ऊपर एतमाद क्यों नहीं कर रहे, मुझे जाने दो और जाकर तुम्हारे बाप की घड़ी ढूंढ कर लाने दो. इस मर्तबा चाचा दीनू को इस बच्चे की आंखों में एक अजीब सी रोशनी नजर आती है, अजीब सी रोशनी नजर आती है. एंड चाचा दीनू फील्स एट हार्ट एज इफ ही कैन नॉट डिनाई हिम एनी फर्दर. उसे लगता है कि मैं मजीद इनकार इस बच्चे को नहीं कर सकता, राइट? सो चाचा दीनू नॉड्स इन अ यस के ओके तुम जाओ. और चाचा दीनू ये प्लान बनाता है कि व्हाइल ही इज सर्चिंग द फील्ड्स आई विल कीप अ वॉच ऑन हिम विद माय टॉर्च लाइट और समथिंग. तो वो बच्चा खेतों में चला जाता है, चाचा दीनू जो है वो टॉर्च जलाकर अपने वो कमरे की खिड़की में से उसके ऊपर नजर रखे हुए होता है कि गॉड फॉरबिड कहीं कोई जानवर इसके ऊपर हमला वगैरह ना करते. अब चाचा दीनू क्या देखते हैं कि बच्चा पहले एक खेत में जाता है, 5-7 मिनट वहाँ ठहरता है, देन ही मूव्स टू अनदर फील्ड. 12, 13, 14, 15 मुख्तलिफ खेतों के अंदर बच्चा इसी तरह 5-5, 10-10 मिनट, 7-7 मिनट बैठता है, स्कैन करता है वहाँ पे, ठीक है, और फिर आगे मूव कर जाता है. ऑल दिस वाइल, इस पूरे वक्त के दौरान चाचा दीनू की जैसे उसके कलेजे को हाथ पड़ा होता है कि किसी भी वक्त जो है वो
कोई जानवर इस बच्चे पे हमला ना कर दे, राइट? अभी चाचा दीनू ऐसा सोच ही रहा होता है, गेस व्हाट, दूर फसलों में से फसलें इधर उधर गिर रही होती हैं और जैसे कोई भागती हुई चीज जो है वो चाचा दीनू के घर की तरफ आ रही हो, राइट? फसलें इधर उधर गिर रही हैं, टॉर्च की रोशनी के अंदर चाचा दीनू को ये सब कुछ नजर आ रहा होता है, एंड चाचा दीनू इज 110% श्योर कि इस बच्चे के पीछे कोई जानवर जो है वो पड़ चुका हुआ है और करीब है उसको उचक ले और उसकी जान को खत्म कर दे, राइट? चाचा दीनू क्या करता है कि वो ही लीव्स द विंडो और स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द फील्ड्स। चाचा दीनू इधर से फील्ड्स की तरफ भाग रहा होता है, उधर से फील्ड्स में से वो जो भी कुछ जिसकी वजह से फसलें इधर उधर गिर रही होती हैं वो भागती हुई वो चीज़ या वो बच्चा जो है वो बाहर आ रहा होता है। चाचा दीनू की ये सोच होती है कि जैसे ही मैं खेतों में पहुंचूंगा तो मेरे सामने लेट्स से शायद बच्चे की डेड बॉडी जो है वो मौजूद हो। जैसे ही चाचा दीनू जो है वो खेतों के किनारे के ऊपर पहुंचते हैं वो भागती हुई चीज़ या बच्चा जो है, ठीक है, वो खेतों में से नमूदार होता है। चाचा दीनू ये सोच रहा होता है कि जैसे ही मेरी लाइट टॉर्च की लाइट जो है वो बच्चे के चेहरे के ऊपर पड़ेगी तो इसके चेहरे के ऊपर मौत की जर्दी होगी, पेलनेस ऑफ डेथ विल रिच क्लियर ऑन द चाइल्ड्स फेस बिकॉज ऑफ सम हिनुअस थिंग दैट इज फॉलोइंग द चाइल्ड। कि वो जो जानवर या बला इसके पीछे पड़ी हुई है जो इसकी जान के दर पे होगी वो इसको पकड़ने के करीब होगी, जैसे मेरी टॉर्च की रोशनी इसके चेहरे पे पड़ेगी तो मुझे यूं लगेगा जैसे क्योंकि मुर्दा मेरे सामने। बट इन कंट्रास्ट टू दिस, जैसे ही चाचा दीनू की रोशनी फसलों में से नमूदार होते हुए बच्चे के चेहरे के ऊपर पड़ती है तो मौत की पिलाहट की बजाय फतेह की खुशी जो है वो बच्चे के चेहरे के ऊपर उसे नजर आती है, राइट? और उसकी टॉर्च जो है वो उसके चेहरे से उसके हाथ पर शिफ्ट होती है तो उसके हाथ के अंदर चाचा दीनू के बाप की घड़ी जो है वो चमक रही होती है। बच्चा उसी फ्लो में जंप लगाकर चाचा दीनू के ऊपर चढ़ जाता है। चाचा दीनू जो है वो उसे उठा के भागता हुआ अपने घर में जाता है, ठीक है, और द लिनन और द कॉटन जो भी वहाँ पर अवेलेबल होती है उसके साथ बच्चे का चेहरा साफ करता है, उसको पानी पिलाता है। ऑल दिस वाइल चाचा दीनू के आंसू गिर रहे होते हैं फॉर द फैक्ट कि उसके बाप की घड़ी उसको मिल चुकी होती है, और उसने बच्चों को जो इतनी सारी डॉल्स और इतने सारे बलून्स जो हैं वो दिए होते हैं वो सारे ज़ाया नहीं गए। तो चाचा दीनू उससे पूछता है फिर, हाउ कुड यू डू दैट व्हेन ऑल ऑफ देम कुड नॉट डू दैट ड्यूरिंग द डे, जब वो सारे बच्चे इस घड़ी को दिन की रोशनी में नहीं ढूंढ सके, हाउ कुड यू डू दैट इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट। एंड देन द चाइल्ड स्पीक्स, ही सेज, आई वुड गो टू एवरी फील्ड फॉर 5, 7, or 10 minutes, वुड सिट देयर क्लोजिंग माई आईज, वाई, बिकॉज मुझे पता है अंधेरे में मुझे नजर तो कुछ, क्लोजिंग माई आईज बट कीपिंग माई ईयर्स ओपन एंड वुड ट्राई टू लिसन टू वॉट, टिक 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 ऑफ द वॉच, राइट? एंड दैट इज वाई वट दे कुड नॉट डू इन द नॉइज आई कुड डू दैट इन द साइलेंस। That is called the power of silence. You getting my point, Patel? Yes. We are actually heading towards the finding or the exploration of the leader in you. You cannot find that leader unless you give yourself time of rest and sit somewhere silently and start thinking about yourself. आपने ज़िंदगी में बनना क्या है, ज़िंदगी में करना क्या है? जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे साइलेंट रह के आप सोचना शुरू करेंगे। प्रॉफिट पीस बी अपॉन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं, इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। इमेजिन, सो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि अगर अल्लाह ने आपको जुबान दी है तो हर वक्त आप बोलते ही रहे। और जब मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा था कि आपको बोलते हुए कम्युनिकेट करते हुए अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपने पैरों से, अपने पूरे जिस्म को इस्तेमाल करना चाहिए, तो इट डज नॉट मीन दैट एवरी टाइम यू आर मूविंग ऑल दीज लिम्स, बिकॉज शायद आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं, अच्छे पागल लगने शुरू हो जाएंगे, क्वाइट एन एजाइल एंड एक्टिव, ठीक है ना, मेंटल इंडिविजुअल।
सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर मेरे मुंह में बतीसी है, बत्तीस दांत, राइट, द नेचुरल डेंचर दैट आई हैव इन माई माउथ, राइट, सो यू डू यूज दीज 32 टीथ फॉर मंचिंग योर फूड, फॉर मंचिंग योर, राइट. लेकिन अगर खाने का टाइम भी ना हो और आपके मुंह में खाना भी ना हो एंड यू कीप, आपको क्या लग रहा है मैं क्या हूं? Hey. ऐसे ही है ना, ऐसे लगेगा कि नहीं? कम्युनिकेशन इज द सेम थिंग, राइट. कम्युनिकेशन के अंदर जितनी आपकी स्पीच इंपॉर्टेंट होती है बेटे, उतनी ही आपका साइलेंस भी इंपॉर्टेंट होता है.